एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है और फैंग कहता है, शैन याद रखना तुम मेरी हो। फिर शैन कहती है, मजाक बंद करो, मैंने तुम्हें बता दिया है फैंग, ये चैन, मैं शादीशुदा हूँ और पहले से ही मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। फिर फैंग कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, क्या सच में मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? फिर शैन कहती है, सॉरी पर मैं आपके लायक नहीं हूँ मिस्टर फैंग। फिर शैन मस जाने लगती है, पीछे मुड़ती है और मन में कहती है, बेवकूफ कहीं के, तुम हमेशा मुझे फोर्स करते रहते हो और गुस्सा होने का तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं है। और गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, तुम्हें क्या हो रहा है? इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखता है और शैन मन में कहती है, ये तो अच्छी बात है कि कंपनी के साइड में कपड़ों की दुकान है जहाँ से मैं कुछ कपड़े खरीद सकती हूँ। फिर एक कलीग शैन से कहती है, शैन चीफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मिस किन भी वहाँ पर है, ऑल द बेस्ट। हाँ, फिर शैन कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ। फिर शैन वहाँ जाती है और उसे चीफ की आवाज आती है। चीफ कहता है, शैन एक अच्छी लड़की नहीं है। फिर शैन मन में कहती है, चीफ मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, वो भी मेरे पीठ पीछे। फिर शैन थोड़ा पास जाकर सुनती है और चीफ कहता है, शैन जरूर उस फैंग ही चैन के साथ सोई है और आजकल वो बेशर्मों की तरह लेट भी आ रही है। फिर किन कहती है, चीफ ये बात सुनकर आप काफी उखड़े उखड़े लग रहे हैं, क्या आप उसे पसंद करते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम्हें। फिर शैन मन में कहती है, अच्छा तो ये दोनों रिलेशनशिप में है। फिर शैन गेट पे नॉक करती है और कहती है, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं चीफ। फिर चीफ मन में कहता है, अरे नहीं शैन, क्या इसने सुन लिया अभी जो हम बात कर रहे थे? फिर वो कहता है, शैन क्या तुम मिस्टर फैंग को मना सकती हो कि वो हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करे और साथ में कुछ एडवर्टाइजमेंट बिजनेस करे? शैन कहती है, मैं नहीं जा रही। फिर मन में कहती है, अभी अभी मैं फैंग की चैन से लड़के आई हूँ और ये मुझसे कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्या ये एम्बैरेसिंग नहीं होगा? फिर चीफ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जरा फिर से बोलो। फिर शैन कहती है, मैं नहीं करने वाली। फिर चीफ कहता है, शैन मैं सिर्फ तुमसे एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ और तुम उसके लिए मना कर रही हो, क्या तुम अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो? फिर शैन जोर से कहती है, हाँ मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और अब से मैं आपके ऑर्डर्स को नहीं मानूंगी। फिर किन कहती है, शैन अगर तुम ये कर देती हो तो चीफ तुम्हें रिवॉर्ड देंगे और रिवॉर्ड में वो तुम्हारी पेमेंट को डबल कर देंगे, प्लस तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। पैसे की बात सुन के शैन खुश हो जाती है और कहती है, चीफ मैं अब भी जाती हूँ। फिर शैन वहां चल जाती है और किन कहती है, क्या हम कंटिन्यू करें जो अभी हम कर रहे थे? फिर चीफ कहता है, नहीं अब मैं नहीं कर सकता, अगली बार हम डोर को कम से कम लॉक तो कर ही देंगे। इस बार शैन मन में कहती है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है पर फैंग अभी अभी रिजेक्ट हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी जल्दी उससे हेल्प मांग सकती हूँ। और तुरंत ही शैन फैंग को कॉल कर देती है और फिर कहती है, हेलो मिस्टर फैंग, मैं शैन बोल रही हूँ। फिर फैंग कहता है, शैन तुमने मुझे कॉल किया है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरी होने वाली हो? फिर शैन कहती है, नहीं अभी तो नहीं, अभी मुझे बात करनी है आपसे काम के बारे में। फिर फैंग कहता है, ओह तो फिर मैं बिजी हूँ, और फिर फैंग कॉल कट कर देता है। फिर शैन मन में कहती है, फैंग ने कॉल कट कर दिया, इसका मतलब क्या है, क्या वो मुझसे मिलेगा या नहीं? फिर शैन उसे बार बार कॉल करती रहती है और फैंग कॉल नहीं उठाता। और फिर शैन कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। इसके बाद भी शैन हार नहीं मानती और बार बार उसे कॉल करती रहती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।